हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सर्वेश। आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे पीएचपी में एरे में सॉर्टिंग फंक्शंस की। सो एरे में सॉर्टिंग का मतलब ये होता है कि द एलिमेंट्स इन एन एरे कैन बी सॉर्टेड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जो एरे के एलिमेंट्स हैं उनको हम सॉर्ट करते हैं या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब जो एरे है या तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में सॉर्ट होगा या न्यूमेरिक ऑर्डर में। तो पीएचपी में कुछ बिल्ट इन सॉर्टिंग फंक्शंस हैं एरे को सॉर्ट करने के लिए। पहला फंक्शन है सॉर्ट। सॉर्ट क्या करता है? जो इंडेक्स एरे को सॉर्ट करता है इन असेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एरे लिया फ्रूट्स नाम से और इसमें मैंने फ्रूट्स के नेम पास किए हैं। अब जो ये वैल्यूज़ हैं ये स्ट्रिंग में है और तो ये क्या करेगा एरे, अगर मैं इसे सॉर्ट करूँगा इस एरे को तो ये अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो एप्पल पहले आ जाएगा, देन बनाना, कोकोनट, ग्रेप्स की भी, तो इस तरह सॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर एरे नंबर्स में है तो ये नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा, जैसे 1, 2, 5, 8, 9, 11, 15, तो इस तरह सॉर्ट हो जाएगा। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन आर सॉर्ट। आर सॉर्ट फंक्शन क्या करता है कि इंडेक्स एरे को सॉर्ट करता है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि ये जो एरे है अब इसमें ये स्ट्रिंग वैल्यूज हैं तो ये क्या करेगा इन सभी वैल्यूज को अल्फाबेट के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सबसे जो बड़ी वैल्यू है जैसे के स्टार्ट होता है, के सबसे पहले आता है, कीवी सबसे पहले आ जाएगा, देन ग्रेप्स, देन कोकोनट, देन बनाना, देन एप्पल। हमें क्या करना है आर सॉर्ट फंक्शन में मुझे एरे का नेम पास करना है। सिमिलरली अगर एरे नंबर्स में है तो जो नंबर्स के अकॉर्डिंग ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू पहले आ जाएगी 15, 11, 9, 8, 5, 2, 1, इस तरह। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है ए सॉर्ट फंक्शन। ए सॉर्ट फंक्शन क्या करता है कि सॉर्ट एसोसिएटिव एरे इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू वैल्यू। तो एसोसिएटिव एरे में क्या होता है कि जो डेटा होता है वो की और वैल्यू की फॉर्म में होता है। तो ए सॉर्ट फंक्शन क्या करता है कि वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जो कीज़ की वैल्यू है उनके अकॉर्डिंग सॉर्ट कर देता है एरे को इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो वैल्यू आई वाई 36, मतलब अभिषेक, तो पहला आ जाएगा अभिषेक 36, देन इसके बाद 39, तो सोहन 39, देन इसके बाद रोहित 41। तो इस तरह ये सॉर्ट कर देगा एसोसिएटिव एरे को। तो मुझे क्या करना है ए सॉर्ट में बस एरे का नेम पास करना है। देन है ए आर सॉर्ट। ए आर सॉर्ट जैसे अपोजिट है कि एसोसिएटिव एरे को सॉर्ट करेगा इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू वैल्यू। तो यहाँ हम वैल्यू के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे थे, अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो डिसेंडिंग के अकॉर्डिंग सबसे पहले आ जाएगा, सबसे बड़ी वैल्यू है रोहित, तो रोहित 41 पहला आ जाएगा, देन इसके बाद सोहन 39, देन लास्ट में अभिषेक 36। तो इस तरह ये एसोसिएटिव वैल्यू सॉर्ट हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में और मुझे ए आर सॉर्ट फंक्शन में बस एरे पास करना है। सिमिलरली नेक्स्ट है के सॉर्ट फंक्शन। के सॉर्ट फंक्शन क्या करता है कि एसोसिएटिव एरे को सॉर्ट करता है इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू की। अब यहाँ ये जो दोनों फंक्शन ये एसोसिएटिव एरे की वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर रहे थे, अब यहाँ हम की के अकॉर्डिंग सॉर्ट करेंगे। अब जो कीज़ हैं यहाँ पे वो बेसिक अल्फाबेट फॉर्म में है ना, तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग से सबसे पहले आएगा वो अभिषेक आएगा, तो अभिषेक की वैल्यू पहले आ जाएगी, देन इसके बाद रोहित की वैल्यू हो जाएगी, देन इसके बाद सोहन की वैल्यू हो जाएगी, है ना। अगर और नेक्स्ट फंक्शन है केआर सॉर्ट। केआर सॉर्ट क्या करता है कि एसोसिएटिव एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा अकॉर्डिंग टू की। तो की अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी जैसे सोहन वो पहला आ जाएगा, देन रोहित, देन लास्ट में अभिषेक, ये सॉर्ट होगा। सो आई होप आपको एरे में सॉर्टिंग फंक्शन समझ में आ गए होंगे। चलो इनको प्रैक्टिकल करके देखते हैं हमारे एडिटर के अंदर। सो गाइस मैं मेरे एडिटर पे आ गया हूँ और यहाँ पे मैंने फाइल क्रिएट करी है एरे अंडरस्कोर सॉर्ट अंडरस्कोर फंक्शंस डॉट पीएचपी के नाम से। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो भी हमने सॉर्टिंग फंक्शंस डिस्कस किए थे उनको हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है सॉर्ट। अब सॉर्ट क्या करता है, ये इंडेक्स एरे को सॉर्ट करता है असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे एरे ले लेता हूँ फ्रूट्स के नाम से और इसमें मैं फ्रूट्स के नाम पास कर दूंगा, जैसे कीवी, ऑरेंज, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सॉर्ट फंक्शन लिखता हूँ और इसमें पैरेंथेसिस के अंदर मैं ये क्या करूँगा एरे वेरिएबल का नेम पास कर दूंगा। और आफ्टर सॉर्टिंग मैं क्या करूँगा इस एरे को चेक करूँगा, तो मैं प्रिंट आर फंक्शन में इस एरे को पास कर देता हूँ और यहाँ पर सेव करूँगा मैं और राइट क्लिक करके मैं कॉपी पाथ करूँगा, ब्राउज़र पे जाऊँगा, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा पाथ इसका, एसटी डॉक्स से इसका पाथ हटा के यहाँ पर लिख दूँगा लोकल होस्ट। जैसे एंटर मारूँगा तो मुझे ये सॉर्टेड डायरेक्ट डिस्प्ले कर रहा है, पहला आ रहा है एप्पल, देन बनाना, देन ग्रेप्स, देन कीवी, तो ऑरेंज। पर पहले एरे में क्या था, कीवी ऑरेंज, तो इसने क्या किया सॉर्ट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि ये अल्फाबेट्स हैं इसमें। बट अगर क्या हो, अगर कोई ऐसा एरे हो जो नंबर्स में हो, तो मैं क्या करता हूँ कि नंबर्स नाम से एरे ले लेता हूँ
और इसमें मैं क्या करूँगा, नंबर्स पास कर दूँगा, जैसे 21, 25, 45, 78, 36, और इसको मैं सॉर्ट करूँगा, तो इसको भी अगेन मैं सॉर्ट फंक्शन के अंदर मैं एरे का नेम पास करूँगा नंबर्स, और अगेन इसको मैं इस एरे को चेक करूँगा नंबर्स एरे को, ठीक है। और यहाँ मैं क्या करूँगा, बी आर टैग को इको कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में मुझे डिस्प्ले करे। अगेन रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे नेक्स्ट लाइन में मुझे डिस्प्ले कर रहा है, और ये सॉर्टेड सॉर्टेड एरे है, 21, 25, 36, 45, तो इसने सॉर्ट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स। तो इस तरह आप सॉर्ट फंक्शन की हेल्प से किसी भी इंडेक्स एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो। अब है नेक्स्ट फंक्शन जिसका नाम है आर सॉर्ट। आर सॉर्ट क्या होता है, ये जस्ट इसका अपोजिट होता है सॉर्ट का, ये इसको जो भी इंडेक्स हो रहा है एरे होता है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है, ठीक है। तो जस्ट मैं क्या करता हूँ, इसी एरे को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इसको, और इसको अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, आर सॉर्ट, सॉर्ट की जगह मैं यूज़ करूँगा आर सॉर्ट, ठीक है। और अगेन मैं इस फ्रूट्स नाम के एरे को पास कर दूंगा इसमें, और यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे प्रिंट आर फंक्शन में इसको पास कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको सेमी कोलन लगाता हूँ, और अगेन यहाँ पे मैं इको बी आर टैग कर दूंगा ताकि मैं मुझे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, ठीक है। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे अब डिस्प्ले कर रहा है, ये पहले कर रहा ऑरेंज, देन कीवी, देन ग्रेप्स, बनाना, एप्पल। तो इसने क्या किया, अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया है ना। और अगर अगर कोई नंबर्स वाला एरे हो, मैं पहले बी आर टैग लगा दूँ और इसके बाद में करूँगा सेम कॉपी कर लेता हूँ ये नंबर्स के लिए एरे, और सॉर्ट की जगह मैं यहाँ पे कर दूंगा आर सॉर्ट ताकि मुझे रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करे नंबर्स। और अगेन मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये मुझे डिस्प्ले कर रहा है पहले 78, देन 45, देन 36। तो इसने क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स का एरे सॉर्ट कर दिया। सो अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड फंक्शन की जिसका नाम है ए सॉर्ट। अब ए सॉर्ट क्या करता है कि एसोसिएटिव एरे को सॉर्ट करता है इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू वैल्यू। यहाँ पे मैं एरे ले लेता हूँ डॉलर एज के नाम से, जिसमें मैं पर्सन की एज पास करूँगा, जैसे रवि इसकी एज हो गई 30, एक ले लेता हूँ सोहन इसकी एज हो गई 24, ठीक है। एक ले लिया सुमन इसकी एज हो गई 26, एक ले लिया राजू इसकी एज हो गई 27, ठीक है। और यहाँ मैं लिख लूँगा ए सॉर्ट फंक्शन, और इसके अंदर मैं डाल दूँगा इस एरे को, यहाँ मैं चेक कर लूँगा इस एरे को, प्रिंट आर के अंदर मैं पास कर दूँगा डॉलर एज, और यहाँ सेमी कॉलन लगाता हूँ, और इस प्रिंट आर के बाद में यहाँ पे लगाऊंगा बी आर टैग। सेव करता हूँ इसको और प्रोसेस लगाऊंगा, यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो इसने क्या किया, इस एसोसिएटिव एरे को इसकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग इसने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। जैसे पहला आया 24, 26, 27, 30, देखो पहला था 30, 24, इसने जो एसोसिएटिव एरे की वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको सॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका अपोजिट फंक्शन है जो है ए आर सॉर्ट। ये क्या करता है कि ये एसोसिएटिव एरे को सॉर्ट करता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो मैं कहता हूँ इस पूरे एरे को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं ए सॉर्ट की जगह ए आर सॉर्ट कर दूंगा, और इस प्रिंट आर के बाद में इको बी आर लगा दूंगा यहाँ पे। सेव करता हूँ उसको और रिफ्रेश करूँगा तो देखना इसने इसी एरे को क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू वैल्यू। तो पहले आगे 30, देन 27, देन 26, देन 24, ठीक है। सो हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की जिसका नाम है के सॉर्ट। अब के सॉर्ट क्या करता है कि एसोसिएटिव एरे को सॉर्ट कर देता है असेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू कीज, कीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि किसी स्टूडेंट के मार्क्स ले लेता हूँ है ना। तो मैं जैसे अमन मार्क्स के, अमन नाम से स्टूडेंट है इसके मार्क्स, तो एरे में मैं ले लूँगा जैसे कि उसके मार्क्स हैं मैथ्स में, मैथ्स में आए 78, ठीक है। इसके बाद साइंस, साइंस में आए हैं उसके 68, ठीक है। इसके बाद SST, SST में आए हैं उसके 55, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश में आए हैं उसके 89, ठीक है। और हिंदी, ठीक है,
हिंदी में आए हैं उसके 63, और संस्कृत, ठीक है, संस्कृत में आए हैं उसके 72, ठीक है। तो इस तरह से मार्क्स हैं किसी स्टूडेंट के। अब मैं इसको क्या करूँगा, के सॉर्ट करूँगा, के सॉर्ट में मैं इस एरे को पास करूँगा अमन मार्क्स, और इसके बाद मैं इस एरे को चेक करूँगा प्रिंट आर, और इसके अमन की मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं ई को कर देता हूँ बी आर टैग, ठीक है, और सेव करता हूँ मैं इसको, और अगेन ब्राउज़र पे जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो मुझे ये एरे डिस्प्ले कर रहा है ये। बट इसमें क्या कह रहा है ये, अब जैसे मैंने तो इसमें पास किया था मैथ्स साइंस एस एस टी इंग्लिश हिंदी संस्कृत, बट इसने डिस्प्ले किया इंग्लिश पहले देन हिंदी मैथ संस्कृत साइंस एंड लास्ट में एस एस टी। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, जो कीज थी इनको, और ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में थी, तो इसने अल्फाबेटिक ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में इसको एरे को सॉर्ट कर दिया, ठीक है। पहले ई आता तो इसने इंग्लिश कर दिया, देन हिंदी, देन मैथ्स संस्कृत साइंस एस एस टी, ठीक है, तो इस तरह। और अगर एक और फंक्शन है इससे सिमिलर जिसका नाम है के आर सॉर्ट, के आर सॉर्ट जैसे अपोजिट है, तो जो भी कीज होती हैं कीज के अकॉर्डिंग उनको सॉर्ट कर देता है एसोसिएटिव एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी एग्जांपल को दे देता हूँ, यहाँ पे मैं बी आर टैग लगा दूंगा, और इसी को एग्जांपल को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैं पेस्ट कर लूँगा इसको, और के सॉर्ट की जगह मैं क्या करूँगा यहाँ पे के आर सॉर्ट पास कर दूंगा, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ तो देखो पहले डिस्प्ले कर रहा है एस एस टी साइंस देन संस्कृत मैथ्स हिंदी इंग्लिश, तो इसने कीज को क्या किया डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। अब जो कीज थी अल्फाबेट ऑर्डर में थी, तो अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट कर दिया। तो इस तरह आप सॉर्टिंग फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये सॉर्टिंग फंक्शंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और आई होप आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कॉमेंट बताओ वीडियो कैसा लगा मुझे, और तब तक के लिए थैंक यू एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।